नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एलईडी थेरेपी पे, जो लाइट थेरेपी है जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं अपने इधर, उसके बारे में ज़रा बात करना चाहता था। बताना चाह पूछना है कि ये काम एक्चुअली करता है कि नहीं करता है। तो एलईडी थेरेपी है क्या? एलईडी थेरेपी है एक स्किन थेरेपी जो आपके बॉडी को एक सर्टन लाइट के अंडर रखता है थोड़े देर के लिए, 30 घंटे, 30 मिनट, 25 मिनट। और वो क्या करेगा कि वो आपका स्किन वो टाइप ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करेगा। आप लाइट जो है, जो आपको दिखता है, वो वेवलेंथ से बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लाइट का कलर हो, वो डिफरेंट वेवलेंथ है। सो वो चलता है 300 से लेके 800 नैनोमीटर तक के। इसमें तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना छोटा है उसका एनर्जी उतना ही है, और जितना है उतना लार्ज उसका वेवलेंथ है। अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो उसमें आइडिया हो जाएगा, बट सिंपली बताएं तो जो स्टार्टिंग का वेवलेंथ है वो ज़्यादा देर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो जल्दी डिसिपेट हो जाता है। जो ब्लू कलर का लाइट होता है वो होता है, वो आपके स्किन के ऊपरी लेयर तक रहता है। जो ग्रीन और येलो कलर है वो थोड़ा और नीचे जाता है, और जो रेड है, इंफ्रा रेड है, वो एकदम नीचे तक घुसेगा। तो इसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, अगर संक्षिप्त में बोल तो काम करता है, पर इसके लिए आपको लगातार करना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, और महीनों के बाद आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो ब्लू एलईडी लाइट है वो आपके स्किन के ऊपरी हिस्से में काम करेगा। उसमें अगर आपको एक्ने का जो बैक्टीरिया है, अगर आपने फेस साफ किया और ब्लू एलईडी लाइट किया, तो आपके वो बैक्टीरिया को किल करेगा। और आपके पास अगर एक्ने का स्कार, अगर कुछ भी स्कार है, तो वो क्या करेगा, वो एलईडी लाइट वो आपके स्किन के ऊपरी हिस्से में अब्जॉर्ब होगा और वो स्कार को ब्रेक डाउन करेगा, और ओवर थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप रिजॉल्व होने लगेगा, क्योंकि स्किन के अंदर बहुत सारे स्टेम सेल्स हो, जैसे ही आप तोड़ोगे नया सेल आएगा उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जिनको इतना सारा एक्ने स्कार था, उनको ब्लू एलईडी थेरेपी दिया, 1 महीने बाद उनका काफी काफी कम हो गया उनका एक्ने का स्कार, जो काफी अच्छे से काम करता है। उसके बाद अगर आप जाएंगे ग्रीन और येलो एलईडी, तो उससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, आपका स्किन ज्यादा ही काला हो रहा है धूप में ये सब में। तो अगर आप विटामिन सी, वो लेमन का स्क्रब करने के बाद, साफ करने के बाद, ये आप हरा और पीले लाइट के अंदर रहेंगे 30 मिनट 1 महीने तक, तो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम करेगा, ताकि आप ज़्यादा डार्क ना हो, हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है। तो ये दो उसमें काम करते हैं। अगर आप याद रखेंगे तो हल्दी, हल्दी लगाते हैं हम, क्योंकि वो भी पीला, वो पीला कलर पीला अब्जॉर्ब करता है, और वो आपके इसमें हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है, इसलिए हम हल्दी लगाते हैं जब शादी वादी होता है। उसके बाद आया अपना लाल और इंफ्रारेड और रेड लाइट, वो स्किन के एकदम भीतर तक जाता है। उसमें आप अपना कोलाजन प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप एजिंग है रहे कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट बुरा है, पर इंफ्रारेड लाइट या रेड रेड एलईडी लाइट अगर उसके अंदर है आप, तो आपके कोलाजन प्रोडक्शन होगा, तो आपके स्किन को फर्म करेगा, कड़क रखने में कोशिश करेगा, आपके एंटी एजिंग काम करता है इंफ्रारेड लाइट। सो बेस्ड ऑन कौन सा आपको चाहिए, आप उस हिसाब से लाइट थेरेपी कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो 1 दिन में नहीं होगा, उसको महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, पर उसको कंसिस्टेंट रखना है। 30 मिनट रोज करिए उसको एक्सरसाइज की तरह, अपने आप आपका स्किन हेल्दी होगा, अपने आप आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन आपको क्या है, आपको एक्ने स्कार कम करना है तो ब्लू एलईडी एलईडी आप लगाएं, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप येलो ग्रीन पे चलें, अगर आपको स्किन फॉर्म करना है, एंटी एजिंग पे जाना है, तो रेड एलईडी करें। मार्केट में बहुत सारा ये मिलता है, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। मेन है कि ये वेवलेंथ का लाइट निकलना चाहिए, तो इसलिए जो टेस्टेड मेथड है उसके थ्रू ही जाइए, जिनका एक्चुअली रेप्यूटेबल कंपनी है जो बेच रही है उनसे लीजिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अच्छा लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, 30 मिनट, 30 से 45 मिनट दिन का, महीने भर करिए, और आपको असर दिखेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम भी काम करेगा, बट ये असर करता है, ये टेक्निक है, काम करता है, ऐसा झूठा नहीं है। तो इसको आप ट्राई करें अगर आपको ज़रूरत है, नहीं तो यूजुअली आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उनके पास अगर आपका थेरेपी चालू है तो वो आपके इधर करेगा ही, पर आजकल मार्केट में ये ऐसा वाला मास्क मिलता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते। तो बस यह बताना चाहता था कि अगर आपको क्वेश्चन है कि ये काम करता है कि नहीं करता, करता है। जिस हिसाब से आपका जरूरत है उस हिसाब से आप वो लाइट यूज करिए, और ये काम जरूर करता है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काम आए, थोड़ा समझ में आए। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो।